नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर वर्ष हम आपको राशिफल दिया करते थे, हर महीना का जो है रिजल्ट राशिफल हम आपके सामने पेश करते हैं, जानकारी देते हैं। और अब अगस्त के महीने के लिए, सिंह राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए और क्या क्या शुभ अशुभ परिणाम हमारे साथ में हो सकते हैं, कौन कौन से दिन हमारे शुभ अशुभ होंगे, वो जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगस्त के 16 दिन प्रारंभ के 16 दिन वहाँ पर सूर्य आपके 12वीं राशि में रहेंगे। तो इसमें हाथ को थोड़ा भींच के रखें, दबा के रखें, खर्चों पर जो है कंट्रोल रखें, क्योंकि ये नुकसान का समय है। और 17 तारीख के बाद फिर आपका कोई ना कोई वर्चस्व बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप कोई अच्छा काम उस समय पर करेंगे। बृहस्पति और राहु आपके नवम स्थान के अंदर गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। वैसे नवम स्थान का बृहस्पति बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन अच्छे फल के साथ साथ राहु भी वहाँ पर साथ हैं, तो यहाँ पर मिले जुले फल आपको जो है राहु प्रदान करेंगे। इसके साथ ही चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे वो संतान का क्षेत्र है, और चाहे वो मित्र वर्ग और भ्रातृवर्ग का क्षेत्र है, वहाँ पर अड़चन के साथ में काम चलेंगे और मेलजोल भी बढ़ेगा, थोड़े से मनमुटाव भी होंगे। शनि आपके सप्तम स्थान के अंदर मूल त्रिकोण राशि के अंदर हैं। अगर विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो सिंह राशि वालों के लिए विवाह के योग बनेंगे, नए व्यापार के योग बनेंगे, नए साझेदार के योग बनेंगे, नया कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, नई कोई डील आप कर सकते हैं। लेकिन मन के अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी, तो क्रोध को जो है शांत रखें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, तो आप जो है सफल हो सकते हैं। अब मैं आपको दैनिक राशिफल देता हूँ। 1 और 2 तारीख ये शत्रु विवाद की है। कोई ऐसा आचरण आपके द्वारा ना हो जाए, बोली के द्वारा चाहे आपके व्यवहार के द्वारा, जिसके कारण किसी के साथ में कोई वैमनस्य हो या शत्रुता बढ़ जाए। 3-4 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद हैं, व्यापार के लिए, पत्नी के लिए, पार्टनर के लिए, हर जगह पर ये जो है ठीक रहेंगी। लेकिन 5 और 6 तारीख इसके अंदर आपको सावधानी बरतनी होगी, आपका स्वास्थ्य इस समय पर गिर सकता है, अस्वस्थ आप हो सकते हैं, तो उसके प्रति जागरूक आपको रहना है। बाकी 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तारीख तक, अर्थात ये 7 दिन आपके लिए बहुत ही सुंदर फल देने वाले हैं। पूरे महीने के अंदर सबसे श्रेष्ठ परिणाम इसी के अंदर आपको प्राप्त होगा, चाहे वो कारोबार का है, चाहे वो यात्रा का है, चाहे धार्मिक आयोजनों का है, चाहे वो उन्नति का है, प्रगति का है, प्रमोशन का है, वो सब फल आपको इस समय पर जो संभावित हैं वो आपको प्राप्त होंगे। 14, 15, 16 तारीख के अंदर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, खर्चों को कम करें, इस समय पर नुकसान का समय है, कोई भी डील ना करें, किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें और कहीं पर भी पैसा जो है इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा आप जो है नुकसान के भागीदार बनेंगे। 17, 18 तारीख, 19, 20, 21, 22 और 23 तारीख तक ये 7 दिन आपको बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम देने वाले हैं, तो उसका आप लाभ उठाइए। अवसर बार बार नहीं मिला करते हैं, तो ये आपको एक अवसर मिलेगा जिसके अंदर उसका समय पर सदुपयोग अपना करके और आप लाभ उठा सकते हैं। परिवार के अंदर भी अच्छा माहौल रहेगा और सुंदर सुखद परिणाम जो हैं आपको प्राप्त होंगे। 24, 25 तारीख ये आपके लिए सुंदर और सुखद रहेगी। 24-25 के अंदर ये जो है सुंदर सुखद रहने के साथ साथ थोड़ी सी चिंताएं भी जो है उत्पन्न होंगी, उसके लिए दूध और चीनी का दान करें जिससे कि ये समय आपका अच्छा गुजर सके। 26-27 तारीख ये पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, एग्जाम, इंटरव्यू या कोई भी साक्षात्कार, इसके अंदर जो है वो आपका ठीक परिणाम ये देंगी, इसके अंदर अनुकूल परिणाम निकलेंगे। बाकी 28-29 तारीख ये इसमें आपको सावधान रहना होगा, अपनी वाणी और आचरण दोनों को जो है कंट्रोल में रखना होगा, वरना किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है और कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उससे बचना आपका काम है। 30-31 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर परिणाम देने वाले हैं।
बाकी और जानकारियों के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, अपने जीवन संबंधी, व्यापार संबंधी, गृहस्थ संबंधी, विवाह या पढ़ाई संबंधी, करियर संबंधी जो भी कुछ जानकारी आपको चाहिए वो आप जो है ले सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।